आपको क्लियर करेंगे कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्वींस प्रेगनेंसी में 15 से 18 किलो तक के बीच में वेट गेन करना एक नॉर्मल वेट माना जाता है। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपको वेट कितना गेन करना है ये इस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वेट कितना है। तो सबसे पहले हम उन महिलाओं की बात करते हैं जिनका ट्वींस प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट था, मतलब जो 45 किलो से भी कम की थी। तो उन महिलाओं को ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान 14 किलो वेट हर हाल में गेन करना ही होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बाद उन महिलाओं की बात करते हैं जिनका प्रेगनेंसी से पहले वेट बिल्कुल नॉर्मल वेट था जो होना चाहिए। ऐसी महिलाओं को 27 किलो से ज्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा वेट गेन उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जिनका प्रेगनेंसी से पहले थोड़ा सा वेट ज्यादा था। ऐसी महिलाओं को 10 किलो से कम और 27 किलो से ज्यादा नहीं गेन करना चाहिए, मतलब उनका जो नॉर्मल वेट होगा वो 10 किलो से लेकर के 27 किलो तक के बीच में ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज्यादा मोटी थी। ऐसी महिलाओं को 6 किलो से कम एंड 25 किलो से ज्यादा वेट नहीं गेन करना चाहिए, मतलब उनका जो वेट है वो पूरी प्रेगनेंसी 6 से लेकर के 25 किलो तक के बीच में ही रहना चाहिए। मैंने आपको ये एक नॉर्मल वेट बता दिया है एंड इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना वेट गेन करना चाहिए। अब हम आपको एक बात और क्लियर करते हैं कि जो ट्वींस प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है, मतलब 1 से लेकर के 3 महीने तक, तो उस पूरी तिमाही में आपको 1 किलो 800 ग्राम ही वजन गेन करना होता है, इससे ज्यादा वजन गेन नहीं करना होता है। और इस बीच ज्यादातर ऐसा होता है कि आपका वजन गिर जाता है बिकॉज आपको उल्टी एंड महक लगना, चक्कर आना, कुछ ना खा पाना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपके बाकी के जो सप्ते बचते हैं तो उन हर सप्तों में आपको कोशिश करनी है कि आपका 0.5 किलो वजन गेन हो, इससे ज्यादा आप वजन गेन ना करें। एंड एक बात और आपको बता दें कि ट्वींस प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको हर दिन 300 एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की जरूरत पड़ती है एंड सेकेंड तिमाही में 680 कैलोरी हर दिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ती है एंड तीसरी तिमाही में आपको 900 एक्स्ट्रा कैलोरी हर दिन लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब आप जितना अभी तक खा रही थी उसमें आपको अपनी ये कैलोरी ऐड कर देनी है और आपको बहुत ज्यादा कुछ खाना नहीं है, आप अपनी लिमिट में एंड बैलेंस डाइट ही लें। आप जो है किसी भी ऐप से अपना डाइट प्लान डाल के बहुत ही आसानी से पता कर सकती है कि आप अभी तक कितनी कैलोरी ले रही थी एंड आपको उससे आइडिया मिलेगा कि आपको अभी और कितना खाना चाहिए। और कोशिश करें ये जो कैलोरी है वो आप अपनी हेल्दी डाइट से ही लें। इसमें आप कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड, इन चीजों को शामिल करें। अनहेल्दी चीजों से बिल्कुल भी अपना वेट गेन ना करें। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अनहेल्दी चीजें सिर्फ आपका वेट गेन करती हैं, बाबू का वेट गेन नहीं करेंगी, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, मिठाई, इन चीजों से अपना वेट गेन कर रही हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको अपने ओवर वेट गेन करने से बचना है क्योंकि ओवर वेट गेन करने से क्या होता है कि आपको सबसे पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में ऑलरेडी रहती है। और दूसरी बात, आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज एंड आपको हाथ पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है, इसलिए ओवर वेट गेन बिल्कुल भी ना करें। अब हम बताते हैं आपको कि आखिर प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना किसको कहते हैं, इतना सारा वेट आखिर बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करें कि ये जो वेट होता है इसमें आपका कुछ हिस्सा ही फैट रहता है एंड इसमें क्या होता है कि दोनों बच्चों का वेट और दोनों बच्चों के प्लासेंटा का वेट एंड दोनों बच्चों के पानी की थैली जिसको एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं एंड दोनों बच्चों के चारों तरफ जो पानी पाया जाता है उसका वेट एंड इस दौरान आपके शरीर में ब्लड की मात्रा भी बढ़ जाती है उसका वेट एंड इस दौरान आपके शरीर में जो है नेचुरली कुछ पानी रहता है उसका वेट एंड उसके बाद में आपके शरीर में तरल भी पाया जाता है एंड उसका वेट एंड इसके बाद में आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां होती है, उनकी जो परत होती है वो बहुत तेजी से खिंचती है उसका वेट, इन सभी चीजों का वेट ऐड होता है। एंड इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट बढ़ते हैं उनका वेट भी इसी में ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीजों को मिला के ही आपकी प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो काफी हद तक वेट उसी टाइम कम हो जाता है, जैसे कि आपकी बॉडी से ब्लड काफी कम हो जाता है, आपके एमनियोटिक फ्लूड निकल जाता है, उसके बाद में बच्चे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में प्लासेंटा बाहर आ जाता है, काफी हद तक वेट गिर जाता है। एंड जो बाद में जो आपका कुछ वेट बच जाता है जिसको आप बाद में कम कर सकती हैं, उसी को ही एक्स्ट्रा फैट बोला जाता है। और ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आप जब बाद में ब्रेस्ट फीड कराएं तो आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। और एक बात ध्यान रखें कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में ओवर खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओवर ईटिंग आपको गैस की समस्या, अपच की समस्या एंड कब्ज की समस्या, पेट में दर्द, बेचैनी, ये सारी समस्याएं क्रिएट करेंगी। तो आप बिल्कुल ओवर ईट ना करें। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 5 से 6 बार खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं एंड ज्यादा से ज्यादा टहले, जिससे आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। एंड आप अपनी कैल्शियम और आयरन की टेबलेट चालू रखें एंड आप अपना प्रोटीन एक्स पाउडर चालू रखें। ये सारी चीजें बच्चे का वेट गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।